अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स। क्वेश्चन है जी, शो डैट आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज़ ऑलवेज रियल। स्टूडेंट्स, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जी साबित करें कि जो हर्मिशियन ऑपरेटर है इसकी जो आइगन वैल्यूज़ हैं जब हम किसी ऑपरेटर पर वेव फंक्शन अप्लाई करते हैं तो ये हमेशा रियल रहती हैं, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी रियल के बराबर आता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो आज ये प्रॉब्लम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आंसर देखें, कंसीडर अ वेव फंक्शन फाई एन, देन ऑपरेटर ए इज़। अगर हम फाई एन वेव फंक्शन पे ए ऑपरेटर अप्लाई करें तो हमें आइगन वैल्यू मिलेगी ए एन, और फाई एन रिपीट इटसेल्फ हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन वन का नाम। सिमिलरली अ वेव फंक्शन साई एम, देन ऑपरेटर ए इज़। अगर हम साई एम पर एक ऑपरेटर अप्लाई करें तो हमें आइगन वैल्यू मिलेगी ए एम, और साई एम रिपीट हो जाएगा, इसे नाम दे दें इक्वेशन टू का, ठीक है जी। नेक्स्ट, नाउ वी अप्लाई द कंडीशन ऑफ हर्मिसिटी, ठीक है जी। अब हम हर्मिसिटी की कंडीशन अप्लाई करेंगे, ब्रा फाई एन ए ऑपरेटर इन टू साई एम इज इक्वल टू ब्रा ए फाई एन इन टू साई एम कैट, ओके। जब ये हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ वन एंड टू इन इक्वेशन थ्री, इस इक्वेशन में हम वन एंड टू की वैल्यूज पुट कर देंगे, सो ये इक्वेशन इस तरह से बनेगी, ब्रा फाई एन इन टू ए एम साई एम कैट इज इक्वल टू ब्रा ए एन फाई एन इन टू साई एम कैट, ठीक है जी। तो यहाँ से हम आइगन वैल्यू ए एम को कॉमन ले लेंगे, यानी कि बाहर सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, और इधर हमारे पास आ जाएगा ब्रा फाई एन इन टू साई एम कैट। सिमिलरली ये हमने कैट से लिया है, बाहर सेपरेट किया है, लेकिन जब हम ए एन आइगन वैल्यू को देखें, जब हम इसे ब्रा से सेपरेट करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा तो ए एन स्टेरिक आएगा, ठीक है। इसी तरह ब्रा फाई एन इन टू साई एम कैट, सो ए एम, अब ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास फंक्शन बन गया साई एन और साई एम का। सिमिलरली माइनस ए एन स्टेरिक और साई एन साई एम, अगेन क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। सो हमने जो है ए एम माइनस ए एन स्टेरिक को अलग लिख लिया और ये कॉमन ले लिए हैं जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन था, तो ये बनेगा ए एम माइनस ए एन स्टेरिक इन टू ब्रा फाई एन इन टू साई एम कैट इज इक्वल टू ज़ीरो, और ए एम माइनस ए एन स्टेरिक, और ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है इसको हम क्नोकर डेल्टा ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन से लिख सकते हैं, क्नोकर एम एन इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर नॉर्मलाइजेशन एन इज इक्वल टू एम, देन साई क्नोकर एम एन इज इक्वल टू वन। अगर हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन यूज़ करें तो एन और एम जब बराबर होंगे तो क्नोकर डेल्टा का आंसर वन आएगा, सो एम एन माइनस ए एम स्टेरिक वन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से पता ये चला कि ए एम इज इक्वल टू ए एम स्टेरिक, हैंस प्रूव डैट द आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर आर ऑलवेज रियल, ठीक है जी। तो ये था हमारा लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह।